मौत के दरिंदे में कशिश तो है सरवत, लोग कुछ भी कहते हैं खुदकुशी के बारे में। ये शेर उसी सरवत हुसैन का है जिनको मौत से इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने जगह जगह अपनी शायरी में खुदकुशी के मिसरे उकेरे, जिनके लिए आज के दौर के मौजूदा नौजवान शायर तहजीब हाफी ने कहा कि मैं सरवत हुसैन पर एक फिल्म बनाऊंगा लेकिन उसमें रेल की पटरियां नहीं बनाऊंगा। आइए जानते हैं उसी सरवत हुसैन को जिन्होंने उर्दू अदब के साथ साथ दुनिया को भी बहुत छोटी उम्र में अलविदा कह दिया। लोग कहते हैं कि सरवत हुसैन को रेल की पटरियां निकल गई, लेकिन सरवत का खून आज भी उनकी शायरी से चिपका हुआ है। भर जाएंगे जब जख्म तो आऊंगा दोबारा, मैं हार गया जंग मगर दिल नहीं हारा। रोशन है मेरी उम्र के तारीख चमन में, इस कुंजे मुलाकात में जो वक्त गुजारा। पाकिस्तान के कराची में 9 नवंबर 1949 को सैयद सरवत का जन्म हुआ। सरवत ने शुरुआती तालीम के बाद कराची यूनिवर्सिटी से उर्दू अदब में मास्टर्स किया। सरवत का रुझान शुरू से ही शायरी और अदब की ओर था। अदबी हलकों में जल्दी ही वो अपनी शायरी के लिए पहचाने जाने लगे। 1979 में आए उनके पहले मजमूए आधे सैयारे पर के आने पर उनको बड़ी शोहरत हासिल हुई। पहले मजमूए और दूसरे मजमूए के बीच की दूरी को सरवत की सांसें तय ना कर सकी। सरवत का दूसरा मजमूआ खाकदान उनकी मौत के बाद ही लोगों के सामने आया। कहते हैं सरवत हुसैन अपने दौर की खूबसूरत शायरा परवीन शाकिर से बेपनाह मोहब्बत करते थे। वही परवीन शाकिर जिनके बारे में हम आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं। और परवीन शाकिर की बेवफाई ने सरवत हुसैन की आंखों में वो रंग भर दिया जिसे हम मौत का रंग कहते हैं। परवीन शाकिर के लिए सरवत हुसैन ने एक शेर भी लिखा था जो था, जिसे अंजाम तुम समझती हो इब्तिदा है किसी कहानी की। और जिंदगी की उदासी और मोहब्बत के गम के बीच 9 सितंबर 1996 को उन्होंने रेल से कटकर जान दे दी और खुदकुशी करने वाला ये शायर मिट्टी की सुंदरता में जाकर मिल गया। उनकी शायरी में मोहब्बत का दर्द है, जज्बों का मातम है, लम्हों का सोग है, आजजी है, शायरी है मगर सरवत नहीं है। सरवत की शायरी का रुतबा उनकी इस नज़्म से भी पता चलता है। कसम इस आग और पानी की, मौत अच्छी है बस जवानी की, और भी हैं रिवायतें लेकिन एक रिवायत है खूब फिशाने की, जिसे अंजाम तुम समझती हो इब्तिदा है किसी कहानी की। रंज की रेत है किनारों पर, मौज गुजरी है शादमानी की, चूम ली मेरी उंगलियां सरवत, उसने इतनी तो मेहरबानी की। मौत तो एक बहाना था, सरवत हुसैन ने खुदकुशी जरूर की, लेकिन उनकी मौत के लिए वो जमाना भी जिम्मेदार था जब सरवत हुसैन अपनी नज्मों और गजलों में खुदकुशी का तज़किरा अपने महबूबा के रूप में बार बार किया करते थे। लेकिन समाज नहीं चेता। आज सरवत इस दुनिया में नहीं है, बस उनकी शायरी रह गई है।